Hello guys and welcome back to the second episode of Beyond Mirage. Today we have with us Namit again, aka Adventure on Avenger. If you haven't watched the first video or if you haven't listened to the first audio, then please go and do it, because in that audio he has busted two big myths about traveling. And today we are going to focus more on how is the life of a travel vlogger. And yaar, welcome back Namit, and I'm very happy to have you again with us. Thanks Jim. Happy to be back. That's great. So yaar, sabse pehle yaar, travel vlogger matlab kya, ghoomte raho tum, video banate raho aur dalte raho social media pe, likes milenge, comments milenge, sab alag alag log aake baat karenge. Specially abhi tu ladka hai to ladkiyan line bhi maregi, to ये सब चीज पे तो यार ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए कि तुम घूमो और उसका वीडियो बना के डालो करके, और देन यू गेट रिकॉग्निशन ऑन सोशल मीडिया. तो यार ये लाइफ तो सबको चाहिए करके, तो जस्ट टेल मी कि यार ये कितना सच है या फिर इसमें कितनी मजा है यार. ये ना जितनी भी पूरी बातचीत है ना, ये ना मतलब वो ये जवानी है दवानी के बनी वाली बात है, ठीक है. देख के बहुत मजा आता है, बट एट द एंड यू सॉ की उसको भी मजा नहीं आता. ही ऑल्सो सेटल्स डाउन एट द एंड विद, राइट. सो सेम गोज विद अस कि पहली बात, लड़कियां ऐसे अप्रोच नहीं करती हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि सारे लड़के कल को उठ के ट्रैवल ब्लॉगर बन गए हैं, कह रहे हैं कि भाई लड़कियां अप्रोच कर रही हैं तो ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड सी, नो डाउट इट्स अ गुड लाइफ, ठीक है तुमको, क्योंकि थोड़ा मजा करके तुम एक प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो. बट इसके पीछे के जो जितना भी चीज है, जितना भी एफर्ट बैक एंड में जा रहा है, वो बहुत ज्यादा है. जस्ट लाइक सपोज करो एक मूवी बन रही है, सो एक मूवी में एक पूरी टीम लगती है. एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, कैमरा वाला होता है, ठीक है. यहाँ पे तुम एक 10-15-20 मिनट की एक शॉर्ट मूवी बना रहे हो, ओके. एंड इसमें सब कुछ तुम्हें करना है, कंटेंट से लेके एडिटिंग तक, फाइनल मार्केटिंग तक, अकेले तुम बैठ के कर रहे हो. ऑफकोर्स बड़े ट्रैवल व्लॉगर्स की होती है टीम्स, बट यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल बडिंग ट्रैवल व्लॉगर है, सब कुछ खुद करना पड़ता है. सो इट इज नॉट ईजी. नाउ वेन वी टॉक अबाउट से एक मैं ट्रिप पे मान लो अगर हूँ, ठीक है. अब ट्रिप पे अगर मैं हूँ तो एक तरफ तो मेरे को एंजॉय करना, बिकॉज मैं एंजॉयमेंट के लिए गया हूँ, ठीक है. पर इट इज, यू कैन जस्ट कंसिडर इट कि वो मेरा एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहां पे मेरे को काम करना है, बिकॉज मेरी ऑडियंस को वो देखना है, राइट. तो मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन थे कि क्या स्टोरी होनी चाहिए, क्या शॉट्स होने चाहिए, कौन सी जगह ऐसी है जो मेरे को जाना चाहिए कि मेरी ऑडियंस को भी पसंद आएगा, राइट. देन तुम्हारे पास क्या होगा, इक्विपमेंट होगा, कैमरा होगा, GoPro होगा, ये होगा, वो होगा, उसका हमेशा टेंशन. इसके कवर हैं, खो तो नहीं गए, कहाँ रखूँ, बारिश आ गई तो भीग तो नहीं जाएगा, वो सब टेंशन रहती है. उसके अलावा अगर वैसे मैं स्पेशली सोलो ट्रैवल करता हूँ, राइट. अब सोलो में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है सिक्योरिटी की. अब अगर मेरे पास बहुत सारा इक्विपमेंट है ना, तो मैं रात को अकेले इधर उधर जाने में थोड़ा डरूंगा, बिकॉज यू नेवर नो यार कोई क्या हो जाए, ठीक है. तो वो एक वो तो इशू है ही. उसके अलावा ना, जब तुम शूट कर रहे हो, स्पेशली इंडिया में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. पहली प्रॉब्लम होती है कि मेरे को अगर मान लो सीरीन वीडियो बनानी है, बीच है मेरे को, मैं चाहता हूँ बीच का पैन शॉट लूँ. अब इंडिया में एक बीच पे इतनी भीड़ होती है कि तुम पैन शॉट ही नहीं ले सकते हो. इतने बच्चे घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, कि तुमको आधे से पौना घंटा एक शॉट लेने के लिए वेट करना पड़ सकता है. तो तुमने जितना भी एक प्लान किया होगा ना दिन में कि मेरे को ये करना है, वो वहीं पर रह जाएगा, बिकॉज हमेशा तुमको जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा लगने वाला है. सेकेंडली क्या होता है, मेरे साथ भी हुआ है ये. अब तुम अगर फोन से शूट कर रहे हो, कोई कैमरा से भी शूट कर रहे हो, अब लकीली टिकटॉक बैन हो गया, बट उससे पहले सबको लगता है कि तुम टिकटॉक बना रहे हो, ठीक है. अब सच में यही होता है. अब तुम मान लो तीन मिनट का एक वीडियो शॉट ले रहे हो जिसमें तुम बोल रहे हो, अब तुम 2 मिनट पे पहुंचे हो, तो 5 लड़कों का एक ग्रुप आ रहा होगा तुम्हारी तरफ, ठीक है, जो तुम्हारे 2 मिनट के कुछ सेकंड पे बोलेगा अबे टिकटॉकर, वो तुम्हारा पूरा शॉट खराब हो जाएगा. यार बहुत होता है यार. ऊपर से अब तुम कभी में कट भी नहीं लगा सकते हर बार. अब तुम दोबारा वो सोचो, दोबारा कंटेंट, एंड जो फर्स्ट टाइम कंटेंट निकलता है मुंह से ना, वो बेस्ट होता है. उसके बाद जो है वो जीप साइज थोड़ा सा शॉट खराब हो जाता है. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये होती है. एंड एक सबसे बड़ा इशू आता है एडिटिंग. अब बना लो, शूट कर लो, बट अगर तुमने एडिटिंग नहीं करी ढंग से, तुम्हारा वॉइस ओवर, वॉइस क्वालिटी खराब है, एडिटिंग में अच्छा कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, लोग वीडियो नहीं देखते. सो उसमें बहुत एफर्ट है, एंड वो लर्निंग कर्व होता है. अब लोग सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, करना पड़ता है, टाइम लगता है, लोगों से एडिट कराओ, प्रूफ सॉरी उनसे चेक कराओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं. तो नो डाउट लाइफ अच्छी है, बट
बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं है, बेसिकली वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा ही है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बस यह फैसिनेटिंग लगता है, जैसे बॉलीवुड भी लगता है, बाहर तो तुम्हें बाहर से एकदम जबरदस्त लगता है कि यार क्या लाइफ है करके, बट बैक ऑफ द माइंड बहुत मेहनत जाती है और वो दिमाग में हमेशा रहता ही है कि यार ये है वो है। एंड तुम जो दिन का प्लान किया रहता है, जैसे यू गेव एन एग्जांपल ऑफ वो बीच का शूटिंग, एंड उसमें ही 2-3 घंटा तुम्हारा लग जाएगा, तो तुम्हारा दिन का ये ट्रैवल वगैरह जो है वो तुम्हारा कभी कभी सैक्रिफाइस भी हो जाएगा मे बी, व्हाट यू आर प्लान करना पड़ता। सो दैट ब्रिंग्स मी कि यार लाइक आई जस्ट हैव अ थॉट कि यार तुम ये सब के चक्कर में ओके तुम एक्चुअली ट्रैवल एंजॉय करना भूल नहीं जाते, लाइक बिकॉज यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि मुझे ये शॉट लेना है, मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, मुझे ये कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड जस्ट टू शो दोज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज द ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी दैट, हम एक्चुअली ट्रैवल करना तुम लोग भूल जाते हो या फिर क्या है वो चीज मतलब उसके अंदर? यार आई वुड से टू एन एक्सटेंट थोड़ा सा ट्रैवल सैक्रिफाइस करना पड़ता है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग लाइक अ प्रोफेशनल थिंग, ठीक है, बट मेरे केस में स्पेशली क्या है कि एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस एपिसोड कि आई हैव ऑलवेज enjoyed capturing my moments. Travel for me is not just travel, it is also about capturing those moments, taking those photographs. पहले मैं photographs बहुत लेता था, ठीक है, अब बस वो videos पे पहुंच गया, shift हो गया जब से मैंने travel vlogging start करी है, या लगभग पिछले 2 साल में, ठीक है, but this thing shooting a travel place has always been a part of my trip. तो मेरे को ये कोई task नहीं लगता, yes task ये है कि वो स्टोरी दिमाग में रखनी है, वो स्टिच करना है कि पिछले शॉट में क्या था और अब तुम इस लोकेशन पे आके उसको कैसे कनेक्ट बिठाओगे, क्या बोलोगे कि लगे कि हाँ एक स्टोरी की तरह फॉर्म हुआ है। आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, अदरवाइज मैं अपने ट्रिप्स बहुत एंजॉय करता हूँ। एंड मेरा एक तरीका एक ये है कि पहले मैं जैसे इंस्टाग्राम पे डालता था, बट मैं ना हाथ के हाथ नहीं डालता हूँ, आई टेक दोज थिंग्स रात को होटल जाके आई स्टिच अ स्टोरी एंड देन आई पोस्ट ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, ऐसा नहीं है, सो आई ट्राई टू लिव दैट मोमेंट एंड बस कैप्चरिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ। So, मेरे लिए तो effortless job है, मतलब थोड़ा है बाद में effort, but मजा आता है बहुत। Right, right, right. तो मतलब अगर किसी को ये बाहर से बहुत fascinate करता हो, but now as we are discussing in today's episode के यार life of a vlogger जो बाहर दिखता है वैसा है नहीं actually, it's much more to it और backstage diaries बहुत ज्यादा है, तो what would you say कि यार अगर किसी को ये चीज करना हो तो क्यों करे, या फिर ऐसे क्यों करना चाहिए अगर करना है तो भी? यार आई वुड से कि कभी भी किसी को देख के मत करना, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल क्योंकि कोई किसी और को सक्सेस मिल गई है लोग उस चीज में कूद पड़ते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि अब जब तक तुम पैशनेट नहीं हो इस चीज के लिए तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज व्हाट इज गोना हैपन सी जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कर्व्स होते हैं ना ऐसे जाता है, ट्रैवल लगर का ना और धीरे धीरे ग्रो करता है, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो उसने वो ग्रो किया है तो मैं भी कर जाऊंगा, बट तुम्हारी वीडियो पे 2 लाइक भी आ सकते हैं, 20 व्यूज भी आ सकते हैं, धीरे 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 करके तुम्हारी ऑडियंस बिल्डअप होगी। अगर तुम सिर्फ बिना मजे बिना मन के घुस जाओगे तुम कभी ग्रोथ ऊपर तक पहुंच नहीं पाओगे, यहीं पे रुक जाओगे, बिकॉज तुम्हें स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होगा कि तुमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर रियली पैशनेट अबाउट थिंग्स, यू लव शूटिंग क्लिकिंग, आई वुड नॉट से कि तुम्हें इस चीज में घुसना चाहिए, बिकॉज सी इसमें कोई एंड नहीं है, तुम कितना अंदर तक डिटेल में बना सकते हो, हर रोज वीडियो निकाल सकते हो, हर हफ्ते निकाल सकते हो, सो आफ्टर अ पॉइंट वो थोड़ा सा टायरिंग हो जाएगा। तो ओके दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, बाहर से देख के मत पड़ो उसके अंदर, बिल्कुल नहीं, वो लग रहा है और तुमको वो चीज करना है या एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वुड से तो यहां से आए तो करो, यहाँ से ना आए तो मत करो, कुछ भी चीज हो यार यहाँ से ना आए तो कुछ अच्छे से होगा भी नहीं ना। एंड अगर यहाँ की ही बात कर रहे हैं अभी तो यार लेट्स टॉक के यार व्हिच इज दैट वन ट्रिप और से वन एक्सपीरियंस दैट हैव इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? ओह ये तो बहुत सिंपल है, सो दैट इज वन एक्सपीरियंस जो मैंने अपना एक ट्रैवल ब्लॉग भी निकाला है अबाउट एवरेस्ट बेस कैंप, ओके नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो एवरेस्ट बेस कैंप ना एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एपिसोड मेरे को बचपन से ट्रैक्स पसंद थे एंड समहाउ मेरे को छोटी एज में ना बेस कैंप के बारे में किसी ने बता दिया था, मेरे को पता चल गया, तो स्कूल लेवल से मेरा वो ड्रीम था कि करना है करना है करना है, ठीक है। तो मैंने अबाउट 2017 में आई क्विट माई जॉब क्योंकि मेरे को भी करना था, 15 दिन की छुट्टी मिलनी नहीं थी मेरे को, 15 दिन लगते और उसके पहले की 15-20 दिन की प्रेपरेशन, तो मैंने ड्रॉप जॉब छोड़ दिया, मतलब ये मेरा बेस्ट टाइम है, फिट हूँ अभी कर लूंगा, ठीक है। अब करा तो 12 दिन का ट्रैक है, 9 दिन ऊपर जाना होता है, 3 दिन नीचे वापस, 8 days वो एब्सोल्युटली वेरी नाइस, ठीक है।
बस क्या होता था, आपको लोग मिलते थे वो थोड़ा सा आपको स्केयर करते थे कि बहुत मुश्किल है, सांस नहीं आएगी, टांगों में दर्द हो जाएगा। कुछ लोग डाइमॉक्स टैबलेट आती है वो लेते हैं ताकि आपको आपकी बॉडी ना वो क्योंकि ऑल्टीट्यूड प्रेशर जो भी होता है उस सबको अडैप्ट कर ले। मैंने नहीं ली, मेरे को क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो मेरे को नहीं लेनी थी वो मेडिसिन। तो मैं खाना पीना अच्छा कर करके बढ़िया पहुंच गया हूँ, 8 days में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पहुंच गया। ओके, 9th day ना क्या होता है, एक जगह है काला पत्थर विच इज अबाउट 5600 meters की हाइट पे है। वहां से एवरेस्ट का ना डायरेक्ट व्यू आता है जहाँ पे सनराइज होता है एवरेस्ट पे, उसके पीछे से निकलता है सन, तो वो बेस्ट व्यू है पूरे ट्रैक का। तो उसके लिए सुबह 4 बजे जाना होता है एंड टेम्परेचर वॉज अबाउट -20 degrees Celsius। ठीक है, तो तुम फुल पैक, तो 2-3 तुमने लेयर्स पहनी हुई, ऊपर 5 layers, मतलब ऐसा था कि ट्रिपल सॉक्स थी मेरे पास, ऊपर 5 नीचे 3 layer ऐसे पहन के मैं जा रहा हूँ। पूरे ट्रैक में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस दिन सुबह मेरी जान निकल गई, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। तो वो ना ऐसा स्टीप ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है, 500-600 meters का ट्रैक होगा, बट इट इज वेरी स्टीप, सो यू नीड सम ऑक्सीजन। और मेरे को एक बार ऑक्सीजन नहीं आना, मतलब कम ब्रीदिंग हुई, उसके बाद बहुत इश्यू हो रहा था। सो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर था, ठीक है, एंड ही वॉज नॉट दैट फिट, मैं उससे ज्यादा फिट था, बट वो आराम से चला जा रहा है, चला जा रहा है, मेरा गाइड आराम से चला जा रहा है, मेरे को सांस ही नहीं आ रहा है। तो मैं बैठ गया, मेरे गाइड ने बोला तू ऊपर नहीं जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, यू जस्ट स्टे हेयर। बट आई वॉज लाइक, उस टाइम पे मैं बैठा हूँ, मेरे को ना ब्लर इमेज दिख रही है ऊपर की, कि यार लोग जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है। उस टाइम पे somehow वो जो बचपन के ड्रीम्स थे ना वो दिमाग में क्लिक कर रहे हैं कि यार तू यहाँ तक आ गया है, अगर तू ऊपर नहीं गया ना तू अपने आप को फेस नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी में। ठीक है, तो वो अभी मेरे को अभी भी एक्चुअली गूज़बम्स आ रहे हैं। तो मैं वहां बैठा हुआ हूँ एंड मैंने कहा यार कुछ भी करके ना, चाहे क्रॉल करके जाना पड़े, ठीक है चल जाऊंगा। तो मैं उठा, मैं चला, 4 steps चला हूं, सांस नहीं आई, बैठ गया। आई सैट फॉर 2 minutes। ऐसे करते करते हर 4-5-6 steps पे 1-1.5 minutes बैठते बैठते जब तक मैं ऊपर पहुंचा, सनराइज हो चुका था, 20-25 minutes हो गए थे, मैं थोड़ा लेट पहुंचा। बट ऊपर जाके जस्ट मैं जब लेटा ना वहां पे ऊपर पीक पे, तो मेरे को इतनी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली ना कि यार कुछ भी हुआ हो, चाहे मैं लेट पहुंचा हूँ बट मैं पहुंचा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से वापस चला जाता, मैं अपने आप को, मैं मतलब अपनी नजरों में गिर जाता, वो वाली सिचुएशन आ जाती। तो उसके बाद से वो, ट्रस्ट मी, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं कि ये अचीव कर लिया तो एक ऐसी प्राइड वाली फीलिंग आती है, MBA में अच्छे कॉलेज से कर लिया, ये कर लिया, ये कर, डीन्स लिस्ट आ गई। ठीक है, मेरे को कभी किसी, उसके बाद से वो जो फीलिंग आई थी वो फीलिंग कभी नहीं आई, और मेरे को लगता नहीं वो कभी अभी आने वाली है, जब क्योंकि वो इतनी ज्यादा, बिकॉज वो बचपन का ड्रीम तुमने अपनी मेहनत से जब पूरा किया हो ना, तो उसके बाद से एक नेवर गिव अप एटीट्यूड आ गया। कुछ भी चीज दे दो मेरे को, कुछ भी चीज दे दो मेरे को, टाइम लग सकता है बट मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं रगड़ता रहूंगा, अपने को करता रहूंगा, एंड प्रोबेबली दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग। मतलब लाइफ में मेरे को ये चीज बहुत अच्छी क्वालिटी मेरे अंदर आ गई है, एंड आई थिंक ट्रैवल से ये चीज, ऐसी चीजें एक्सपीरियंसेस से आ जाती है। वाओ, वंडरफुल यार, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था यार। मतलब मेरे को अभी लगता है कि यार मुझे जाके एक बार कर लेना चाहिए वो। बिल्कुल, मैं बैठा हूं I will train you. definitely. Yeah. Oh, thank you so much, Namit, for sharing such a wonderful insight or the story that inspired you. And also the best thing was कि यार तुमको अगर दिल से अगर करना है तो ही करो, बाहर जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से कुछ भी मत करो, वरना बहुत प्रॉब्लम होएगा और तुम्हारी गाड़ी अटक जाएगी। So thank you so much, Namit, for sharing this with us. And guys, aka Adventure on Avenger, isko jaake kar lo follow and just see his videos if you haven't seen. Thank you, Namit. Thank you, Jay. Bye. Bye.